निबंध लेखन जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। ये वीडियो आप क्लास 10th 12th के परीक्षा में लिख सकते हैं। प्रस्तावना, भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले पायदान पर चीन है, किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि भारत शीघ्र ही चीन को पछाड़कर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। यदि हम 2001 की जनगणना को 2011 की जनगणना से घटाते हैं तो जो अंतर प्राप्त होता है उसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। भारत में हर 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व में जनसंख्या की स्थिति, हम अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि के युग में रह रहे हैं। 20वीं सदी के मध्य में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 5 साल बाद दुनिया की आबादी लगभग 2.5 अरब थी। तब से विश्व की जनसंख्या में 3 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है, जो 2021 में लगभग 7.7 अरब हो चुकी होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जागरूकता में कमी। लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। कई रूढ़िवादी परंपराओं और मान्यताओं के चलते लोग अपने परिवार को बढ़ाते जाते हैं और फलस्वरूप जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है। अशिक्षा, भारत की साक्षरता दर 73% है। इसमें भी पुरुष साक्षरता 80% जबकि महिला 64% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में अभी भी अशिक्षा व्याप्त है और कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के पास शिक्षा प्राप्ति का कोई स्रोत ही नहीं है। इस वजह से भी आम नागरिकों में इस बात की जागरूकता का अभाव है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना तथा अधिक बच्चों के जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना इत्यादि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। उपसंहार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में यह 130 करोड़ को भी पार कर चुकी है। साथ ही वर्ष 2030 तक भारत की आबादी चीन से भी ज़्यादा होने का अनुमान है। ऐसे में भारत के समक्ष तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती है। ये था हम लोग का निबंध जनसंख्या वृद्धि पर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से पाना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। थैंक्स।